और रियाज अहमद शेख, रोहित तुमने अपना जमीर कितने में बेचे हो? सर जितनी आपकी औकात नहीं है, समझ गए? अब आप सर कह रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूँ, समझ लेना, वरना मेरे पास भी ऐसी जुबान है जैसी आपके पास है। और सनब साहब चौधरी कह रहे हैं, जमीर बेचने वाले को अच्छा जवाब दिया और टिकाई से दिया। भाई मैं टिकाई से क्या, सिकाई से भी दे देता सामने रहता तो, पहली बात। दूसरा यह है कि इनके खुद के जमीर बिके हुए हैं। शौकत अली कह रहे हैं, आपकी नजर में किसान खालिस्तानी है तो आपका नेता मोदी इन सबको जेल में क्यों डालता? पहली बात तो शौकत अली मोदी आपका भी नेता है, अगर नहीं है तो आप पतली गली लेके निकल लें उधर बगल में, ठीक है। और दूसरा कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि किसान खालिस्तानी है, लेकिन अगर वहां फट बैठ के कोई किसान के आंदोलन का आड़ लेके वहां खालिस्तान का झंडा फहरा रहा है तो उसको भी तो पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? या तुम्हारे को छूट दी थी जैसे शाहीन बाग की आड़ में देश विरोधी नारे लगाने की, इधर भी दे दें। और गोदी मीडिया क्या है? धर्म यादव जी पूछ रहे हैं गोदी मीडिया क्या है। तो भाई गोदी मीडिया की परिभाषा आप लोग को जाननी है तो चलो मैं आज गोदी मीडिया की परिभाषा भी बताता हूँ। आप सब लोग भाई जहां भी मोहल्ले में कॉलेज में पढ़ते हो गए, आसपास में गली मोहल्ले में रहते हो गए, आप देखते हो गए ना कुछ बदमाश टाइप के लड़के होते हैं, हर समय चौराहे पे बैठे रहते हैं और हमेशा उनकी नजर जो है वहां आसपास मोहल्ले में रहने वाली तमाम लड़कियों पे होती है। उन गुंडों को जो लड़की पसंद आ जाती है उसको तो वो कह देते हैं ये सबकी भाभी है जी, इसका सब सम्मान करो। और वो अगर मना कर दे कि नहीं भाई मेरे को तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं है तो वो उसको आवारा बदचलन घोषित कर देते हैं और वहां दीवारों पे जाके उसके खिलाफ लिख देते हैं। तो इस समय की स्थिति यही है कि जिन राजनीतिक पार्टियों की गोद में हम नहीं बैठे वो दीवारों पे जाके लिखेंगे कि गोदी मीडिया गोदी मीडिया। उनका कहना हमारी गोद में बैठ जाओ नहीं तो हम तुम्हें बदनाम कर देंगे कि तुम बदचलन। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ज्यादातर महिलाएं आपको आपकी खूबसूरती की तारीफ करती हैं, क्या इसमें कोई खबर बन सकती है? दिनेश मारवाड़ी जी, मुझे तो ऐसी कोई महिला नहीं दिखी यहाँ पे, आपको बड़ी दिखती है, इतना जलते क्यों हो यार? वैसे मेरे को कोई महिला ने तारीफ नहीं की, आज भी जिन्होंने की वो पुरुषी थे। मतलब मुकुल आपको लड़की का नाम लगता तो भाई मैं कह नहीं सकता, आज तो रेड रेड हो रहे हो हमेशा की तरह, आज भी खूबसूरत लग रहे हो। लो भाई राम कल्याण ये भी पुरुष है, ये भी महिला नहीं है। मतलब यार ये दिनेश मारवाड़ी को मतलब इतना जलना भी ठीक नहीं है दिनेश जी। ये कह रहे हैं अगर तू मर जाए तो मैं दावत कर दूं सबकी, रेनॉल्ड एस जूलिया। भाई साहब अब पता नहीं मतलब अब मैं क्या कह सकता हूँ, नाम भी आपका तो मिक्सिंग लग रहा है दो तीन जगह से, तो पहले अपना नाम पता तो ठीक से ले आओ, उसके बाद हमारे मरने के सपने देखना। तो जी सीए के खिलाफ अमेरिका में गृहमंत्री को हटाने की मांग उठ रही है, क्या ये सही है? बहुत बड़ी है भाई, शशांक वाजपेयी मेरे घर की लाइट चली जाए तो मैं अमेरिका को शिकायत कराऊँ क्या जाके? मेरे घर में पानी नहीं आए तो मैं जाके अमेरिका में शिकायत करूँ क्या बताओ? या मेरे बच्चे का स्कूल ज़्यादा फीस लेने लग जाए तो मैं अमेरिका को चिट्ठी लिखूँ क्या? नहीं ना। तो फिर सीए को लेकर अमेरिका में शिकायत करने का क्या मतलब? एमए बब फालतू में कुछ भी हवाबाजी करनी है तो वहां जाकर कर ली, करते रहो भाई। फिर टैबलेट उल्टा क्यों पकड़े हैं आप रोहित जी? पुनीत जी से क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ से थोड़ी पढ़ रहा हूँ, यहाँ से पढ़ रहा हूँ और टैबलेट उल्टा सीधा एक समान कर देता ना, घूम जाता है। लो घूम के इधर हो गया। आपने बड़ा सेब खाना यहाँ से कि उल्टा है कि सीधा है? और सेब भी कहीं से भी खा लो यार, ऊपर से खा लो नीचे से खा लो, एक जैसा ही होता है। क्या आपको भी देश विरोधियों पर गुस्सा आता है या आप पत्रकारिता धर्म से ही बंधे रहते हो? भाई साहब मेरा देश धर्म पहले आता है, ठीक है, देश पहले है, पत्रकारिता बाद में है। देश रहेगा तो पत्रकारिता रहेगी ना। तो भाई देश विरोधियों पर गुस्सा आता है और पूरा आता है, जितना आप लोगों को आता है उतना ही आता है, शायद उससे ज़्यादा ही आता होगा दिनेश शाक्य जी।